फतेहपुर में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा, कहा 10 मार्च को ही जनता मनाएगी होली। कुशीनगर में हुए हादसे पर जताया दुख। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा गुंडों वाली पार्टी है सभा। अखिलेश ने हमेशा दी गुंडों को पनाह। मुलायम सिंह ने किया अखिलेश के लिए प्रचार, कहा सपा सरकार बनने पर मिलेगा युवाओं को रोजगार, योगी सरकार में बेरोजगार हैं युवा। बुलंदशहर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 120 लोगों को किया गया मुचलका पाबंद, दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला और तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक जनता जनार्दन का बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। सारे वादे सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों की होली धूमधाम के साथ मनाएंगे। पीएम मोदी ने कुशीनगर में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि रात यूपी के कुशीनगर में एक शादी की रस्म हो रही थी, उस दौरान अचानक हुए हादसे में बहुत से लोगों ने अपनी जीवन खो दिया और सभी पीड़ित परिवारों के साथ में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार की पूरी मदद लगातार की जा रही है। कारीगरों की यह धरती है, यहां का 52 इमली पेड़ स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र के योगदान का जीवंत उदाहरण है। आपका जो ये उत्साह है, उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम-धूम से विजय की होली मना लेंगे। भाइयों और बहनों, फतेहपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में पराक्रम वीरता ये यहां के लोगों की नसों में है, खून में है। देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहां के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन ये जो यूपी के गौर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं। आप देखिए, एक कोरोना की भयंकर महामारी, 2 साल हो गए, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर खीरी में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, सपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि सपा गुंडों वाली पार्टी है, अखिलेश यादव ने हमेशा गुंडों को पनाह दी है। लखीमपुर में मैं आया हूं, ये बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है। इसको छोटी काशी भी कहते हैं। यहां पर मशहूर गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, उसको मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूं।
महाभारत के समय का लिलोटी नाथ मंदिर है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। भगवत गीता में जिसका वर्णन है वो देवकली शिव मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। यहां पर कौंडियाल घाट साहिब गुरुद्वारा भी है, उसको भी प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की। मित्रों, में पहले और दूसरे चरण में लगभग दो चरण में 42 से ज्यादा विधानसभाओं में घुमा हूं। पहले दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या आपको? जानना है? जोर से बोलो, जानना है। पहले और दूसरे चरण में साइकिल और हाथी का सफाया होने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर देहात में रोड शो कर जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने और प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान उनके साथ अकबरपुर रानिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रहीं। कन्नौज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की, जहां पर उन्होंने सदर बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण के लिए विशेष तौर पर समर्थन मांगा। इस दौरान उनका कहना था कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के हर वर्ग को पहुंच रहा है, जो देखा वो ट्रेलर था, चुनाव बाद पूरी पिक्चर दिखेगी। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, वो संदेश दे रहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का सूपड़ा साफ हुआ है। तीसरे चरण में 90% सीटें बीजेपी जीतेगी, 10 मार्च को रिकॉर्ड तोड़कर 2022 में जीत हासिल करेगी। कन्नौज वाले मामले पर अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो दुखी हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र के मंत्री तक के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जन समुद्र उमड़ा है, वो संकेत दे रहा है उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को आने वाले परिणाम की। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का सूपड़ा साफ हुआ है, और ये तृतीय चरण का जो मतदान होने को है, जिस प्रकार से जनता उमड़ कर आ रही है, मैं समझता हूँ कि 2017 का जो परिदृश्य है उससे कहीं ज़्यादा उत्साह आज जनता में दिखाई पड़ा है, और जो सरकार ने काम किए हैं पहली बार प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, और घर घर में जो सरकार के द्वारा की गई कार्य योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं वो पहुंची हैं। मैं कह सकता हूं कि लखीमपुर की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जो तृतीय चरण का 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जो पिछला रिकॉर्ड जीत का भारतीय जनता पार्टी का 2017 का है, उसको वो स्वयं तोड़ेगी। कांग्रेस, सपा, बसपा और MIM इन को मिला लेंगे तो ये 3 अंग का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय बाद सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने मैनपुरी के करहल में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव ने यहां से पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी ही इस देश को मजबूत करेंगे। देश के युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। योगी सरकार ये नहीं कर रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में सपा सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे, यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अशेष उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी वापस निकाले। हाँ, मेरी भावना है
उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबर। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वहीं बांदा में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने संबोधन में कहा है कि बसपा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। सरकार बनी तो पिछली सरकार में जनता को मिल रही सभी सुविधाओं को बहाल किया जाएगा, गुंडाराज और अराजकता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, कानून व्यवस्था में सुधार होगा, किसानों बेरोजगारों और वंचितों के लिए काम किया जाएगा। बसपा कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। उन्होंने बीजेपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर दंगे और जातिव द्वेष फैलाने का काम किया है। अब आप लोगों को हर पूरी रूप को दिखाना है और बीएसपी को सरकार में लाना है। हर पूरी रूप को दिखाना है बीएसपी को सरकार।
मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार पूर्ण बहुमत से जरूर बनाएंगे। आप लोग इस चुनाव में तो बीएसपी के नेतृत्व में आप लोग अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहनी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपका जो बुंदेलखंड जो पिछड़ा हुआ है और खासतौर से चित्रकूट मंडल, तो चाहे झांसी मंडल है, चित्रकूट मंडल है, यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका जरूर समाधान किया जाएगा। वही प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या है मतदाताओं की राय, इस बार कौन होगा रानीगंज से विधायक, लोगों से जाननी चाहिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार शर्मा ने। सुनिए क्या है जनता का मूड। आज हम प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा के रानीगंज बाजार में हैं और हमारे साथ हैं रानीगंज के, क्या नाम है भैया आपका? हाँ भैया, मेरा नाम है राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता जी, ये बताइए कि यहाँ से सपा, भाजपा, बसपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और क्या स्थिति है मतदाताओं की, क्या रुझान है, मतदाता किसे अपना विधायक चुनना चाहता है? रानीगंज बाजार में तो भाई स्थिति साफ जाहिर है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुना जाएगा और लड़ाई में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है और धीरज ओझा जी फिर से चुनाव जीतेंगे। ऐसा क्या है धीरज ओझा ने क्या किया जो आप लोग पुनः उनको विधायक बनाना चाहते हैं? धीरज ओझा ने आज तक जब से विधायक हुए हैं तब से रानीगंज में गुंडागर्दी नहीं हुई है और दूसरी बात यह है कि विकास जो हुआ है बहुत तेज़ी के साथ हुआ है, समझ गए, और ये योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री की देन है और ये योगी जी कलयुग के हनुमान और जो विकास हुआ है वो सामने आ रहा है और दिख रहा है लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राजकुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के राजापुर खरहन गांव में मतदाताओं के बारे में ये जानना चाहेंगे कि कौन होगा रानीगंज का विधायक। भैया आपका क्या नाम है? श्रीकांत तिवारी, राजापुर ग्राम सभा तुलसीपुर गाँव के, श्रीकांत तिवारी हमारा नाम है। तो भैया जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार यहाँ सपा, बसपा, भाजपा सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार आप लोग यहाँ का विधायक किसे चुन रहे हैं? धीरज ओझा। धीरज ओझा, धीरज ओझा को क्यों चुन रहे हैं? यहाँ धीरज ओझा की बात नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री, यहाँ हर वर्ग के लोग, चाहे जो भी कास्ट के रहे हों, सारे लोगों को लाभ मिला हुआ है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और जो भी आप कहिए उसको हम बता भी दें, जिसको नाम बताइए कहिए उसको कह दें। किस प्रकार का विकास हुआ, किस प्रकार का विकास हुआ, या हर विकास हुआ है, किस प्रकार का? यही अभी अभी सड़क बनी, यही बनी और ये नल यही लगा हुआ है, सारा विकास तो यही किए हैं। तो ये विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के रानीगंज विधायक धीरज ओझा जी के सौजन्य से हुआ? हाँ, धीरज ओझा, ये नल लगा जो है ये विधायक जी का लिखा हुआ है, देखिए। बुलंदशहर में महाराणा प्रताप का बोर्ड लगाने को लेकर दलित और ठाकुर समाज के लोगों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके कारण तनाव के हालात बने हुए हैं। वहीं पुलिस ने जनपद को जातीय संघर्ष की आग से बचाने के लिए कड़ा कदम उठाते हुए दोनों पक्षों से 120 लोगों को मुचलका पाबंद करते हुए दोनों पक्षों की FIR दर्ज कर ली है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर ये संदेश दिया है कि किसी को भी आपसे सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि दो दिन पहले 15 फरवरी को बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव ढलना में शादी में चढ़त को लेकर दलित और ठाकुर समाज के लोगों में आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद कल ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज पर आरोप लगाया कि दलित समाज के लोगों ने उनके पूर्वज महाराणा प्रताप के बूट को काट कर फेंक दिया था, जिसका वीडियो भी ठाकुर समाज के लोगों ने बनाकर वायरल किया था।
राणा प्रताप का बूढ़ उखाड़ने से नाराज ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज के युवक की पिटाई कर उसे घायल भी कर दिया था। थाना नरसिंह के धर्मा गांव में एक बोर्ड को लेकर के दो जात के लोगों के बीच में गर्मा गर्मी कहा सुनी और पथराव की घटना हुई थी, जबकि उसमें कोई चोटहिल नहीं हुआ था। दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 100 से अधिक लोगों को 2,00,000 से ऊपर की धनराशि से पाबंद कराया गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सजग सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। ये है, ये यहाँ पे 2,000 की संख्या है, गांव ढल्ला है, इसमें 150 लोग के करीब तो हम बिरादरी गए हैं, बाकी सब जाटव समाज के लोग हैं, रोज बदतमीजी करते हैं। हमने एक बोर्ड लगाया था महाराणा प्रताप जी का, महाराणा प्रताप सबके सम्मानित हैं, हम सबके लिए उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी हमने, हम उनका एक तो ये तीसरी बार कांड हुआ, तीसरी बार उन्होंने बोर्ड को उखाड़ा है और फिर तोड़ दिया, फिर बदतमीजी करते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। एक वहाँ पर SP है, क्या नाम है, अजय कुमार, वो उनको सराय देता है, उनको सहाता है और बदतमीजी कराता है। वहीं बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ललित नाम का युवक बिजली कर्मचारी था, जो बिजली का काम करने के लिए धामपुर जा रहा था। जैसे ही जेतरवा फाटक पर पहुंचा तो पीछे से किसी वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया या खुद कर उसका तो पता लगा नहीं और इसकी मृत्यु हो गई। सर एक्सीडेंट में एक मौत हुई है, ग्राम परमा वाले, क्या नाम है इनका? ललित कुमार पुत्र सुखलाल सिंह, निवासी परमा वाला। तहरीर वगैरह आई सर कोई? अभी तहरीर के परिवारी जन आ गए, शनाख्त हो गई है उसकी, परिवारी जन अभी तहरीर दे रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बड़ा अच्छा, कैसे हुई इसकी मौत? मुझे क्या पता कैसे हुई, मैं तो गांव में थी, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई। अच्छा अच्छा, अच्छा। मेरे पास तो फोन गया। क्या करता था ये? क्या करता था ये? बिजली फिटिंग करता था, संटी का बिजली फिटिंग करने गया मेरे गांव का लड़के का। आपको कैसे पता चला? सर कह रहा था मैं संटी का फिटिंग करने जा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में इलाज के दौरान एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक भाई बहन थे और गांव ददीड़ू के रहने वाले थे। मौत को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण दो स्कूली बच्चों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में मिनी स्कूल बस में सवार 10 बच्चों सहित दोनों स्कूली बसों के ड्राइवर घायल हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान दो बच्चों की जान चली गई है। ये आज थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आज सुबह एक बस और एक मैजिक जिसमें स्कूल के बच्चे लेके जा रहे थे, तो आज सुबह आज क्योंकि कोहरा भी है थोड़ा, तो आमने सामने जाके टकराव है और उसमें बच्चे भी थे जिनको चोटें भी आई थी। इसमें 4 बच्चे जिसमें 3 लड़की 1 लड़की, इनको ज़्यादा चोटें थी, उनको तुरंत अस्पताल पहुँचा दिया गया है और इनमें 3 रेफर कर दिया, 1 यहाँ यहीं पर हमारे अस्पताल में ही है। लखनऊ में लोहिया पथ पर चलती बाइक आग का गोला बन गई। बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मामला थाना गौतमपल्ली क्षेत्र का बताया जा रहा है। सहारनपुर के ताजपुरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के मौके पर धूमधाम से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मनमोहक झांकियों के साथ मोहल्ले और गलियों से शोभा यात्रा गुजरी। वहीं सुरक्षा को देखते हुए इस दौरान CO रामकरण सिंह और थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।